कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बाघमारा पहुंचे, जहां उन्होंने महुदा मोड़ स्थित स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कई युवाओं को सदस्यता भी ग्रहण करवाई। सभा के संबोधन में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने की रणनीति पर विशेष सलाह दी। एक बूथ पांच यूथ योजना पर भी कार्य करने को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं को सलाह दी। वहीं पत्रकारों के संबोधन में बाघमारा विधायक पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बाघमारा में भाजपा के विधायक दुनिया के खतरनाक गिरोह से भी खतरनाक वसूली कर रहे हैं और वो भी सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। 100% आएंगे, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि मैंने कह दिया ना कि देखिए दुल्लू महतो जी का जो राजनीति का व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो राजनीति हो रही है, क्या 13,000 का ट्रक लोडिंग में 3,000 लेबर को दोगे, 10,000 रखोगे, ये तो ऐसे तो यार हमारे तो हम तो कभी नहीं सुने हैं इस तरह का जो है। ये तो दुनिया के सबसे खतरनाक जो है गिरोह भी नहीं करता है इस तरह का वसूली, और ये तो सरकारी मदद के साथ हो रही है, ये सरकार के द्वारा हो रही है, सरकार के संरक्षण द्वारा हो रहा है। यार मैं तो पुलिस में था, अपराधी लोग को भी मैंने देखा है, लेकिन इस तरह का अपराधी भी जो है ना 20-25-30% रखते होंगे, ये तो 300-350% पर चढ़ गया है। वहीं भाजपा की केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी और रघुवर सरकार ने उद्योग, पारा, टीचर, मजदूर सभी के साथ बराबरी का काम करते हुए सभी को समान रूप से बर्बाद किया है। रघुवर जी और मोदी जी का एक ही मानसिकता है कि जनता को जो है नफरत पैदा करो, पैसे लूटो, अदानी अंबानी का ध्यान रखो, और फिर टीवी में जो है ना, हमने टीवी देखना बंद कर दिया जब से मोदी जी इतने बोलने लगे और सब लाइव काटने लगा है, तो टीवी तो बंद करा दिया, तो अच्छा काम किया मोदी जी और रघुवर जी ने। अब रेडियो भी बंद हो जाएगा क्योंकि इतने फालतू विज्ञापन आ रहे हैं, तो ये काम अच्छा हुआ, बच्चे लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान देंगे, हम लोग जो बाकी काम करेंगे। मानना पड़ेगा कि उन्होंने सभी वर्ग को ईमानदारी के साथ बर्बाद किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पैरा शिक्षक को बर्बाद किया है, आंगनबाड़ी को बर्बाद किया है, रोजगार सेवक को बर्बाद किया है, किसान को बर्बाद किया है, महिला को। देखिए ईमानदारी देख लीजिए पूरा देश में, मोदी और रघुवर दास झारखंड में ईमानदारी के साथ उद्योग को बर्बाद किया है, मजदूर को तो कोई भेदभाव नहीं। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई जिला स्तरीय वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।